इंडियन फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट नंबर टू। तो इसमें क्या सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है? सिक्स नंबर है इंटीग्रेशन जेड की पावर वन बाय टू डी एक्स। तो इसमें भी वही फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन एक्स को एम डी एक्स इसको एक्स को एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन सी। तो फार्मूला के अनुसार हो जाएगा जेड की पावर वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन वन बाई थ्री प्लस वन प्लस सी। तो हो जाएगा वन अपॉन थ्री हो जाएगा टू बाई थ्री अपॉन टू बाई थ्री। तो चेंज करने पर आ जाएगा थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री प्लस सी। अब आ जाएंगे सेवन नंबर क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टू की पावर एक्स डी एक्स। इसका फार्मूला क्या है? इसमें ये वाला फार्मूला रहेगा। इसमें इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई प्लस सी। तो फार्मूला आंसर हो जाएगा टू एक्स अपॉन लॉग टू प्लस सी आंसर हो जाएगा। इसका भी क्वेश्चन नंबर एट इंटीग्रेशन बी की पावर एक्स प्लस ए डी एक्स। तो वही फार्मूला इसमें भी रहेगा। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी ए है। तो फार्मूला अनुसार इसमें भी हो जाएगा बी की पावर एक्स प्लस ए अपॉन लॉग बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन है इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई डी वाई। तो इसमें फार्मूला थोड़ा दूसरा है। फार्मूला कौन सा है? इसमें आएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको साइन वन वन एक्स प्लस सी। अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई कर देंगे। बस फार्मूला अनुसार क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर जहाँ पर एक्स वहाँ पर वाई हो गया तो यहाँ भी आएगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर टेन है वन अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो इसमें फार्मूला क्या है? इसमें फार्मूला इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसमें जहाँ एक्स से वहाँ टी कर देंगे तो फार्मूला अनुसार हो जाएगा वन अपॉन टी अंडर टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। तो हो जाएगा सेक इनवर्स टी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह का कह रहा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड टी। तो इसमें फार्मूला कौन सा रहेगा? फार्मूला होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सिक जेड कर देंगे तो सिक स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू टेन टेन जेड डी टेन जेड
प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में है ये आंसर है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो वो आ गया 1 upon cos x cot x dx। तो इसमें क्या होगा, तो ऐसा होगा, तो इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन पहला सब 1 upon cos x into 1 upon cot x dx। इसके बाद हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा sec x, तो इसको चेंज करेंगे tan x dx। तो इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो ये है, फॉर्मूला यह है sec x into tan x इंटीग्रेशन में tan x dx इक्वल टू sec x। तो फॉर्मूला अनुसार हो जाएगा sec x plus c, इसका आंसर ये है इसी फार्मूला के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या है, इंटीग्रेशन 1 upon 4x dx। तो इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे पहले, तो हो जाएगा 4x dx। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा, कौन सा फार्मूला, फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन e^x dx इक्वल टू e^x upon log a plus c। फार्मूला अनुसार हो जाएगा 4x dx इक्वल टू 4x upon log 4 plus c। अब क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 upon e^-x dx। तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे तो हो जाएगा x dx। फार्मूला इसमें आएगा e^(x dx) इंटीग्रेशन x^1 plus c। तो फार्मूला अनुसार इंटीग्रेशन x dx इक्वल टू हो जाएगा e^(x plus c) ये आंसर। थैंक यू। अभी सभी क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।